7805, जिसे हम पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं। 7805 बेसिकली, अगर हमें किसी डिवाइस को 5 वोल्ट सप्लाई देना है डीसी, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये 3 पिन डिवाइस है जो इनपुट 7 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक रिसीव करके 5 वोल्ट हमें आउटपुट में देता है। अब हम इसकी पिन आउट डायग्राम देखेंगे। तो जिसे आप देख पा रहे हो, पिन नंबर 1 इज अ पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज जो हम 7 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट डीसी हम इसे दे सकते हैं। सेकंड पिन इज अ ग्राउंड पिन एंड थर्ड वन इज अ आउटपुट पिन, जहाँ पे हमें पॉजिटिव फिक्स 5 वोल्ट सप्लाई हमें मिलता है अगर इनपुट 7 वोल्ट से 35 वोल्ट के बीच में हो तो। उसके नीचे और उसके ऊपर ये वर्क नहीं करेगा, उसके ऊपर ये डैमेज होने की चांसेस होते हैं। और ये जो टर्मिनल आपको दिख रहा है, ये भी इसका ग्राउंड टर्मिनल होता है। बेसिकली 7805 जब हमें यूज़ करना होता है, तो उसके इनपुट और आउटपुट को कुछ कैपेसिटर्स लगाने पड़ते हैं, जिससे इसका आउटपुट प्रॉपर डीसी वोल्ट और विथ नो नॉइस आउटपुट हमें आता है। 7805 पावर सप्लाई में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, जिसमें ब्रिज रेक्टिफायर कैपेसिटर फिल्टर के बाद एज अ वोल्टेज रेगुलेटर हम 7805 का इस्तेमाल करते हैं। बिना उसके भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसको इनपुट में 12 वोल्ट सीधे डीसी एडाप्टर दे, तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।